ओ भाई, सुना है नोट 9 सीरीज को भी MIUI 14 मिलेगा? जी भाई, आज तो खुशी का दिन है, शादी हो जाए एक। तो सुनिए भाई, मैंने सोचा रेडमी नोट 9 सीरीज की अब खत्म है कहानी। मैंने सोचा रेडमी नोट 9 सीरीज की अब खत्म है कहानी, पर ये खबर सुनते ही दिल बोला डांस मेरी रानी, नाच 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 नाच। अपडेट मिली नहीं, गाने गाना शुरू। हो जी दोस्तों, किदा सब ठीक ठाक? तो यार नाच मेरी रानी तो खबर ही ऐसी है, नाचना आ ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक किया, डोंट माइंड। तो अगर आपका कोई सवाल है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। पर यहाँ पर जो गुड न्यूज है वो यही है कि पोको M2 Pro के लिए एक 500 MB की इंडिया की अपडेट जो है वो रिलीज कर दी गई है, और उसी के साथ साथ रेडमी नोट 9 Pro के लिए 504 MB की अपडेट जो है वो पुश कर दी गई है। और यार और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए आने वाली है, पर जो Redmi Note 9 Pro Max है उसके लिए भी यार एक 500 MB की जो अपडेट है MIUI 14 की रिलीज कर दी गई है। इन सभी डिवाइसेस में अप्रैल का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। और यार अगर आपको बाय चांस ये अपडेट नहीं मिली है या कुछ लोचे आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अपडेट तो है नहीं, बट अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली हुई है, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप इसे जो है विदाउट एनी इशू इस अपडेट को कैसे कर सकते हैं, आपका कोई डेटा यहाँ पर लॉस नहीं होगा और आपको आगे से भी जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। पर आज जो है इन तीनों की अपडेट्स जो है बिल्कुल सिंपल हैं, सेम हैं। क्या कुछ इनमें नया देखने को मिलता है, मैं आज की वीडियो में आपको पूरी तरह बताने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अबाउट फोन का सेक्शन दिखा देता हूँ। सभी तीनों डिवाइसेस में गाइज आपको एप्पल का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 12 की ही सपोर्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर एंड्रॉयड 13 जो है वो नहीं आया है और ना ही आएगा। आपके काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं कि भाई एंड्रॉयड 13 कब आएगा, तो गाइज ये नहीं आने वाला, क्योंकि दो एंड्रॉयड अपडेट जो है वो मिलती हैं, वो जो है इस डिवाइस को देखने को मिल चुकी हैं, तीनों ही डिवाइसेस को। तो अब एंड्रॉयड 12 ही रहेगा, अब कुछ ज़्यादा अपडेट्स भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। बस यहाँ पर यही है, एप्पल का सिक्योरिटी पैच लेवल है विद एंड्रॉयड 12। तो यहाँ पर बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो गाइज मोस्ट ऑफ द फोन जो है उनका कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्लर नहीं हुआ है, तो ये जो है ऐसे ग्रे ही आता है। पर मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे मेरे हिसाब से आप जो है अपना कंट्रोल सेंटर जो है ब्लर कर पाएंगे विदाउट एनी इशू। थीम ही है बट हो जाता है, मैंने करके देखा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज कंट्रोल सेंटर जो है ब्लर नहीं है, स्पेशली 4GB रैम डिवाइसेज में, तो ये जो है वो यहाँ पर पक्का है। तो बात करें यहाँ पर फीचर की, तो यहाँ पर कोई विजेट वगैरह तो देखने को मिलते नहीं है गाइज, बट यहाँ पर जो है वो नोट्स के जो है वो नए विजेट जो है वो आ गए हैं, तो ये पता नहीं पहले थे या नहीं। तो यहाँ पर म्यूज़िक का विजेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और बाकी विजेट यहाँ पर हैं, एक जो है आपको मिल जाता है यहाँ पर ये वाला जो है क्या बोलते हैं सेटअप जो ऐप वोल्ट का है, और जो लास्ट है वो यहाँ पर थीम के हैं। तो ये जो है विजेट आपको यहाँ पर थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, बट नॉर्मली विजेट जो है नहीं आए। अगर आपको ये विजेट नहीं मिले हैं, म्यूज़िक एंड ऑल द, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल विजेट नहीं आए हैं जो बहुत सारे हैं, बट आपको छोटे मोटे ये जो है बेकार से मिल जाते हैं, जिन्हें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर आप जाते हैं, आपका जो सेटिंग पैनल है, जो सेटिंग्स होती हैं वो जो है फुली चेंज कर दी गई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जो लेआउट है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। सेफ्टी एंड एमरजेंसी में थोड़ी बहुत जो है वो मेरे हिसाब से चेंजेस हुई हैं, बट ज़्यादा नहीं है। बट आपका जो यहाँ पर सेटिंग्स पैनल है वो काफ़ी चेंज कर दिया गया है, जो देखने में यार काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे को कोई ज़्यादा यहाँ पर जो है इशू नहीं आया। बट यहाँ पर जो है आपको नया सेटिंग्स पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट फीचर की बात करें, तो ये फीचर तो नहीं है गाइज, बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चेंज लाया गया है। तो यहाँ पर पहले तो हम जाते हैं यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो अगर आप फिंगरप्रिंट जो ऑन करते हैं, तो यहाँ पर चेकिंग फॉर सिक्योरिटी अगर आप यहाँ पर लगाने जाते हैं, अब आप देखेंगे बिल्कुल डार्क हो गया है, और अगर मैं यहाँ पर ये जो है फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, तो इसका जो लेआउट है गाइज वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ज़्यादा चेंज नहीं है, बट मेरे हिसाब से पहले ये वाइट बैकग्राउंड
होती थी, अब जो है वो डार्क कर दी गई है। तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, ये भी लेआउट थोड़ी सी चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है और इसे जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं। गाइज नेक्स्ट फीचर की बात करें, सेटिंग्स में आते हैं यहाँ पर, अगर आप होम स्क्रीन में यहाँ पर आते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलती हैं। बट अगर आप यहाँ पर होम स्क्रीन में जाते हैं तो अब आपको लाइट मोड की ऑप्शन यहीं पे मिलती है, थोड़ा सा लेआउट जो है वो ऑफिशियली देखने को मिलता है। अगर आप इसे लाइट मोड को ऑन कर देते हैं तो जो आइकॉन है वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जेस्चर्स जो हैं वो चले जाते हैं, तो कुछ ऐसा है तो आप देखेंगे। अगर आपने इसे ऑन किया है तो सीधा सेटिंग्स में जाइए, आपको यहां पर ऊपर लिखा आ जाएगा टर्न टू ऑफ, तो यहां पर टर्न टू ऑफ जो है लाइट मोड, तो टर्न ऑफ द लाइट मोड, तो यहां से आप ऑफ कर देंगे तो लाइट मोड से एग्जिट हो जाएंगे। तो ऐसे यहां पर जो है थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं और कुछ ज्यादा नहीं है। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की गाइस, तो यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं, वॉलपेपर में आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं प्रोफाइल में, तो वॉलपेपर में आएंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सुपर वॉलपेपर नहीं है, डायनामिक वॉलपेपर नहीं है, बट आपको जो स्टिल MIUI 14 के वॉलपेपर हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो मिसिंग है, बस जो डायनामिक है वो यहाँ पर मिसिंग है, बट जो बाकी सारे हैं गाइस आपको सभी यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में यार काफ़ी अच्छे लगते हैं, HD हैं तो अच्छी एक्सपीरियंस होगा जब आप इन्हें यूज़ करेंगे। बट वो सुपर वॉलपेपर तो नहीं आए, बट जो नॉर्मल वॉलपेपर है MIUI 14 के वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर नीचे आते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पर जाते हैं तो थोड़ी सी लेआउट जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है वो सेकेंड स्क्रीन एंड ऑल द यहाँ पर मिलती है, बट मेमोरी एक्सटेंशन जो है वो चेंज नहीं हुई है, बस ऐसी ही रहती है। बट अगर आप यहाँ पर अब जाते हैं फ्लोटिंग विंडो में तो आपको कुछ इस प्रकार की लेआउट देखने को मिलती है, यानी कि साइड बार अब यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर आप इसे अगर ऑन कर देते हैं साइड बार को तो आपको यहाँ पर जो है साइड बार मिल जाएगी, प्रेस एंड होल्ड टू मूव एनीवेयर, तो ऐसा जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो है मूव कर सकते हैं इसे, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पर टैप एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पर कहीं पर भी आपको चाहिए आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ से आप जो है वो नीचे से ये जो है वो ला सकते हैं और क्रोम भी यहाँ पर जो है वर्क करता है, तो कोई इशू नहीं है। तो साइड बार जो है एक मिल जाती है अगर आप एक खोलते हैं, तो अगर आप सेकंड वाली खोलने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ये वाली, तो सेकंड ओपन नहीं होती है, बस एक ही जो है साइड बार आप ओपन कर सकते हैं। तो ये जो साइड बार है हमेशा आपके साथ ही रहेगी, जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, तो ये जो है साइड बार हमेशा आपके साथ ही रहेगी। तो फाइनली साइड बार जो आपको 4GB रैम डिवाइसेस एंड 6GB MIUI 14 में मिल गई है। तो यार जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर फोल्डर्स का, तो मेरे हिसाब से पोको लॉन्चर में ये फोल्डर्स नहीं आए हैं, बट जो MIUI का सिस्टम लॉन्चर है जैसे कि रेडमी नोट 9 प्रो प्रो मैक्स में आता है, उसमें ये जो है वो फोल्डर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई फोल्डर है तो आप उस पर टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपको एडिट की ऑप्शन मिलेगी, तो कुछ ऐसा आएगा, तो अगर आप यहाँ पर टैप कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अब आप देखेंगे आपका जो यहाँ पर जो फोल्डर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर टैप करके आप पूरा जो है फोल्डर खोल सकते हैं, या टूल्स पर टैप करके आप जो है पूरा फोल्डर खोल सकते हैं, तो यहाँ पर टैप नहीं होता, वरना आप यहाँ पर जो है वो सीधा ऐप को यहीं से खोल सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऐप आप यहीं से खोल सकते हैं, वरना अगर आपको पूरा एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर जाकर जो है वो अपना पूरा जो है वो फोल्डर खोल सकते हैं। तो ये एक नया फीचर जो है वो यहाँ पर ला दिया गया है, और डार्क मोड में भी यार ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं डार्क मोड ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से निकल जाते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा ये भी डार्क हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर है ये। तो बस गाइज वही कुछ है यहाँ पर, और ज़्यादा तो मेरे को कुछ नहीं मिला है, कोई भी आपको वॉइस चेंजर जो है वो गेमिंग में नहीं मिलता है, ऐसा कुछ कोई फीचर नहीं आया है, बट आपको एप्पल का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है MIUI 14 के साथ, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी गई हैं, ज़्यादा तो नहीं है, बट आपका फ़ोन जो है ठीक ठाक चल जाता है, कोई ज़्यादा इशू मेरे को नहीं मिल रहा। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर इन तीनों ही डिवाइसेस के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।